الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اسلامی مہینہ جمادی الآخرہ جسے ہمارے ہاں جمادی الثانیہ کہا جاتا ہے وہ رواں دواں ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حق اور صداقت کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے ان کی وفات ہے تو میں نے اس مناسبت سے یہ ضروری سمجھا کہ آج کے اس جمعے میں
इस्लाम की इस अजीम हस्ती का तज़किरा करूँ और उनकी सीरत के चंद गोशे आपके सामने बयान करूँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबाए किराम में वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा का इमाम बनाया और विसाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी अकरम के सहाबा ने बिल इत्तेफाक उन्हें अपना खलीफा मुंतखब किया। आपकी कराबतें और रिश्तेदारियों का जिक्र करूं तो सबसे बड़ा रिश्ता यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सिद्दीक की बेटी सिद्दीका है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और ये वो निस्बत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह अबू बकर पर रहमतों का नुजूल करे कि अबू बकर सिद्दीक ने मुझे अपनी बेटी दी, अल्लाह अबू बकर पर रहमतों का नुजूल करे कि अबू बकर सिद्दीक ने मेराज की ये हिजरत की रात मुझे उठाया, गार तक ले जाया, लेकर गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत इस्लाम का इस बात पे तकरीबन इत्तेफाक है कि अंबिया के बाद इंसानियत बशरियत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तो जिस शख्सियत का ये मकाम हो उनकी सीरत कोई घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे में अहाता कर सके ये नामुमकिन है। हां, हर खतीब आलिम मुकर्रर उनकी सीरत के उस बेकनार समंदर में से गोते मार मार के कुछ मोती निकालता है और उम्मत के सामने पेश करता है। हम भी उनकी सीरत में से चंद चीजें जिक्र करेंगे कि अबू बकर सिद्दीक इस्लाम में भी अव्वल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो वाहिद हस्ती हैं कि जिन्होंने बगैर किसी मुतालबे के, बहस के, तकरार के, बगैर किसी मोजजात के मुतालबे के नबी ने ऐलान किया कि लोगों मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, तो अबू बकर सिद्दीक ने हाथ बढ़ा के फरमाया अगर आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं तो अबू बकर आपका पहला उम्मती है। ये वो अजीम हस्ती है। एक दफा अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान किसी बात पे कुछ तकरार हो गया, हो जाता है गुफ्तगू में, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकायत लेकर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में आ गए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम मेरी खातिर अबू बकर सिद्दीक को माफ नहीं कर सकते हो? क्या मेरी खातिर अबू बकर को अजियत से दूर नहीं रख सकते हो? फरमाया, मेरे साथियों, तुम वो हो जब मैंने कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। कुल तुम कज़बता, तो तुमने मुझे पलट के कहा कि तूने झूठ बोला है, मेरी तकजीब करते रहे हो। वह अबू बकर, और अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सदकता, जब मैंने ऐलान किया अबू बकर ने फरमाया आपने सच कहा है। इनका मुकाबला कर सकते हो? इनके मकाम और मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता। आपकी शान ही निराली है, और आपकी जुर्रत का अंदाजा इस बात से चलता है, जब 38 बंदे ईमान लाए तो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है हरम में जाके ऐलानिया तौहीद सुनाऊं, तबलीग ऐलानिया तौर पे करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, हम थोड़े हैं, शायद आप लोगों पे तकलीफ आ जाएगी, मुसीबत आएगी। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है, मुझसे रहा नहीं जाता। फरमाया, अच्छा चलो कुर्बान जाऊं। सिद्दीक अकबर आते हैं हरम में, मुशरिकीन बैठे हुए हैं, आपने उनके बीच में खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद अरबी की रिसालत का ऐलान किया। इसके लिए जरा जोर से ईमान के शौक से नारे तकदीर, नारे सहाबा। जिस जज्बे के साथ आपने खड़े होकर ऐलान किया, उसका रद्द अमल आपको मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने पहले बतला दिया था, बस हर तरफ से टूट पड़े मुशरिकी। अबू बकर सिद्दीक को ऐसा मारा, लहू लुहान कर दिया, लहू लुहान हो गए। लेकिन आपने ऐलान किया और दिल की बात का बरमला इजहार किया, तो ऐलानिया तौर पर सबसे बाजुर्रत और जुर्रतमंद खतीब अबू बकर सिद्दीक हैं। वो भी मौका आया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि मुशरिकीन उन पे टूट पड़े हैं, और एक बदबख्त ने आपके गले में कपड़ा डाल के उसे ऐसे मरोड़ना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाते हैं, उन्हें धकेल देते हैं पीछे, और क्या कहते हैं, अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह। क्या ऐसे बंदे को कत्ल करते हो जिसका कोई जुर्म और कसूर नहीं है सिवाय इसके कि वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है? अल्लाह है। उन्हें धकेला, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू कर दिया, और सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि आपका चेहरा मुबारक पहचान के लायक भी नहीं रहा, बेहोश हो गए। आपके खानदान के चंद जवान आए और आपको उठा के घर ले गए, आप बेहोश हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारे खानदान के सरदार अबू बकर सिद्दीक तो बचने वाले नहीं हैं, फौरन वहां से निकलते हैं और आके कहते हैं, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर फौत हो गया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बदला लेंगे। हालांकि वो काफिर थे, लेकिन वो खानदानी गैरत खाई उन्होंने। अब वो घर में सारे इर्द गिर्द हैं,
खाना, कोई दूध पेश कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, लेकिन होश नहीं आ रहा। दिन गुजरते गुजरते जब दोपहर का वक्त हो गया तो अगर आंख खुली होश आया तो होश आते ही सबने कहा, कोई कह रहा है दूध लो पानी लो, लेकिन आंख खुलती फरमाया माफ इला बे रसूलिल्लाह, अईना हबीबी, मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरे पाक पैगंबर की तबीयत कैसी है। बस खानदान के उन लोगों ने कहा कि अब भी ये अपने पैगंबर ही को याद कर रहे हैं, वहीं छोड़ के निकल गए। लेकिन चलते हुए माँ से कहने लगे अबू बकर सिद्दीक की कि अगर होश आ जाए, इनको खाना खिला देना, इनके दिमाग में तो अब एक ही हस्ती घूम रही है। फिर बेहोश हो गए। फिर जब होश आई, माने का बेटा खा लो। फरमाया वल्लाहि ला अज़ूकु ताअमन वला शराबा, अल्लाह की कसम है मैं खाना चखूंगा भी नहीं, पानी भी मुंह से नहीं लगाऊंगा जब तक के मेरे पास पैगंबर की हालत का मुझे पता ना चल जाए, जब तक अल्लाह के पास पैगंबर को अपनी आंखों से ना देख लूं। ये सूरत हाल है। मां समझ गई कि बेटा अब किसी तरह अपनी बात से टलने वाला नहीं है, तो कहने लगी बेटा मुझे क्या मालूम है कि आपके साथी या आपके पैगंबर कहाँ हैं। मां उस वक्त भी हालत कुफर में थी, लेकिन औलाद तो औलाद होती है। फरमाया मैं नहीं जानती हूं कहाँ है, किससे पूछ के आपको बताऊं। फरमाया उम्मे जमील से। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु की बहन है। फरमाया जाके उनसे पूछो। ये दौड़ती दौड़ती आई और फारूक आजम की बहन से पूछा, तो फारूक आजम की बहन ने जब देखा कि अबू बकर सिद्दीक की अम्मा पूछ रही हैं नबी अलैहिस्सलाम का, और ये तो ईमान नहीं लाई अभी तक, वो कहने लगे ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, मैं खुद जाके अबू बकर सिद्दीक को बताऊंगी। पासदारी देखिए, सीधी आई और जूं ही अबू बकर सिद्दीक को लहू लुहान देखा ना, तो बद्दुआएं देने लग गई। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बताइए अल्लाह के रसूल का क्या हाल है, तो कहने लगी अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर बिल्कुल सही सलामत हैं, बिल्कुल ठीक हैं। फरमाया जब तक देखूंगा नहीं तसल्ली नहीं होगी। कहाँ है? दारे अरकम में। मुझे ले चलो। अब सुबह से एक बंदा शाम तक बेहोश हो, खाया भी ना हो, और सिर्फ बेहोशी नहीं, मुशरिकीन की मार भी पड़ी हो, जख्मी भी हो, यह मोहब्बत नहीं तो और क्या है। उठाया उन्होंने, बड़ी मुश्किल से चलते चलते दारे अरकम पहुंचते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, तो देखती अल्लाह के पाक पैगंबर मुस्कुराते हुए अबू बकर सिद्दीक को यूं सीने से लगा लेते हैं। बस यही उनके दर्दों की दवा थी, यही उनके दुखों का मुदावा था ना। जब ऐसे सीने से जोड़ा, फरमाया अबू बकर क्या हाल है, कहने लगे या रसूल अल्लाह अब सबसे बेहतरीन हाल है, अल्लाह बिल्कुल अब ठीक हूं, आपको देख लिया, आपके सीने से लिपट गया हूं, बिल्कुल ठीक हूं। आपकी मोहब्बतों का ये आलम है, आपकी शफकतों का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अदब का ये आलम है। अल्लाह सूरह हुजरात है, 26वां पारा है। अल्लाह का कुरान कहता है, एक दफा मजलिस लगी हुई है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु में किसी बात के अंदर तकरार हो गया। मशवरा लिया नबी अलैहिस्सलाम ने, फरमाया फलां इलाके के लिए अमीर किसको बनाया जाए।
अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूल अल्लाह फलां सहाबी को बना दिया जाए। हज़रत उमर ने फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह उन्हें ना बनाएं उन्हें बनाएं। अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्सा आ गया इस बात पे, फरमाया उमर आप हर बात में मेरी राय से इख्तिलाफ करते हैं, ये क्या वजह है? फरमाया सिद्दीक़ अकबर मैंने इख्तिलाफ नहीं किया, आपकी अपनी राय थी, मैंने अपनी राय का इजहार किया, बस ये थोड़ी आवाज बुलंद हुई रब का कुरान उतरना शुरू हो गया। और क्या फरमाता है अल्लाह का कुरान? कुरान कहता है ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौले कजहरे बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो और नबी को इस तरह आवाज दे के ना पुकारो जिस तरह एक दूसरे को नाम ले लेके पुकारते हो। क्यों? अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हरिपुर वालों खुदारा आपसे पूछता हूँ, जो नबी को हाजिर नाजिर भी समझे फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोले ईमान रहेगा? नबी के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी। तो एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा भी रखता है कि आप हर जगह मौजूद हैं और फिर स्पीकर में या रसूल अल्लाह की आवाज़ें भी देता है, ये बाअदब हुआ कि बेअदब? तो जब बेअदब हुआ तो अंतह बता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, इन्हें पता भी नहीं आमाल सारे बर्बाद हो रहे हैं। जब कुरान करीम की ये आयत उतरी, सही बुखारी की हदीस सुनाने लगा, इस आयत के उतरने के बाद पूरी जिंदगी जब तक अल्लाह के पाक पैगंबर कैद हयात में रहे, अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम ने ऊंचा लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि आप लोगों की अदब एहतराम की ये हालत हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम आपको दो दो दफा पूछते कोई बात, वो आहिस्ते जवाब देते कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। हत्ता इस्तफहमहुमा रसूलुल्लाह, कि नबी अलैहिस्सलाम उनसे दोबारा पूछते आपने क्या कहा, वो अदब की वजह से ऊंचा बोल नहीं सकते थे, इतनी आवाज पस्त हो गई इनका ये हाल। और हजरत साबित रजी अल्लाह तआला नु उनकी आवाज कुदरती तौर पर ऊंची थी, आवाज बड़ी है, वो जितना भी आहिस्ता बोलें आवाज फिर भी बड़ी है। वो घर ही में कैद हो गए, कई दिन नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माफ इला साबित, ऐ न साबित, ओ मेरे साथियों साबित कहाँ है? एक सहाबी उनके पड़ोसी थे, फरमाया या रसूल अल्लाह पूछ के आ जाऊं? फरमाया जाओ उनको उनकी मालूमात करके आओ कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, क्यों आप नहीं आ रहे? जब वो जाके पूछते हैं कहीं बीमार तो नहीं है, तो वो घर में रो रहे हैं। जब इनको देखा इन्होंने कहा वजह क्या है, आप परेशान हैं? कहने लगे अल्लाह का कुरान नबीए अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो वरना अमाल जाया हो जाएंगे, मेरी तो आवाज है ही ऊंची है, अल्लाह ने बनाई ऊंची है, मेरे तो अमाल बर्बाद हो गए, मैं तो जहन्नमी हो गया हूं। ये जुमले का है, सहाबी आए या रसूल अल्लाह
साबित तो इस परेशानी की वजह से आपकी महफिल में आने से महरूम है। और वो ये कह रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ साबित से कह दो तू जहन्नमी नहीं तू जन्नती है। लसान नबूवत से क्या तमगा हासिल कर गए, तू जन्नती है। और ये आवाज ऊंचा, ये तो आपकी माजूरी है, रब ने ये आपकी आवाज ऊंची बनाई है, आप कोई बेअदबी। अल्लाह अकबर, आपकी कुदरती तौर पर आवाज ही ऊंची है, जाओ उन्हें बुलाओ कहो आया करें। अच्छा, जब उनके अदब का ये मकाम पहुंचा, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम और हजरत साबित, तो फिर कुरान ने अगली आयत में क्या फरमाया, इन्नल लज़ीना यगुज़ून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाजों को अल्लाह के रसूल के पास, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, यही लोग हैं अल्लाह ने इनके दिलों को खालिस कर दिया है तकवा के लिए, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, इनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश है और अजर अज़ीम है। तो अदब का हाल ये था, अकीदत का हाल ये था, क्या शान है इनकी, क्या मकाम है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जरा सुनिए। एक लकब नहीं पाया आपका, एक लकब है सिद्दीक, क्या सिद्दीक, सिद्दीक आपको अल्लाह ने कहा है, सिद्दीक आपको रसूलुल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने सिद्दीकीन का मर्तबा नबूवत के बाद रखा है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीना वस्सिद्दीकीन, देखा मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन, तो नबूवत के बाद दर्जा सदाकत का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा आपको सिद्दीक कहा है, और एक लकब आपका अतीक है, क्या अतीक। कुर्बान जाऊं कि अबू बकर सिद्दीक हैं, बेटी सिद्दीका हैं, खुद सिद्दीक हैं और बेटी सिद्दीका हैं। और जरा आगे सुन लीजिए, खुद अतीक हैं, बेटी अतीका है, क्या मकाम है, क्या शान है। देखिए एक झलक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत अतीकुल्लाह मिनन नार, अबू बकर अतीक का माना क्या है, आजाद किया हुआ, अल्लाह ने तुझे जहन्नम की आग से आजादी का परवाना दिया है, अंत अतीकुल्लाह मिनन नार। और बुखारी की हदीस में सिद्दीक का लफ्ज कैसे आया, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पे खड़े हैं, साथ अबू बकर सिद्दीक हैं, साथ फारूक आजम है, उनके साथ हजरत उस्मान है, पहाड़ियों कांपने लगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्बुत या उहद, उसको ठहर जा उहद पहाड़, क्यों कांपता है, फइन्नमा अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान, कांपता क्यों है, तुझ पे नबी खड़ा है, तुझ पे सिद्दीक है और दो शहीद हैं। नारे तकदीर, नारे रिसालत, किस शख्स को शक होगा सिद्दीक की सदाकत में,
और कौन शक करेगा जो अभी नबी के पास खड़े हैं। और नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं शहीदान, ये शहीद हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती एक नुमाया शान है आपकी, आपकी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए किताब है, एक मशाले राह है। कुरान क्या कहता है जरा आइए उसका भी अंदाजा लगा लीजिए। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल लैल है, 30वां पारा है। कुरान कहता है वसयुजन्नबुहल अत्का, वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुज़ा इल्ला इब्तिगा वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। इन आयात को देखिए, फरमाया सयुजन्नबुहल अत्का, अन करीब जहन्नम से दूर रखा जाएगा किसको, अल अत्का उस शख्स को जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। अत्तकी नहीं कहा, मुत्तकी नहीं कहा, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, अत्का, जो बड़ा मुत्तकी है उसे जहन्नम से दूर रखा जाएगा। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, वो अत्का कौन है जो देता है माल, यतज़क्का किस लिए देता है, अपना माल इसलिए देता है कि वो पाकी हासिल करना चाहता है, रब की रजा चाहता है। व माल अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुज़ा, किसी का उस पे कोई एहसान भी नहीं है कि उसका बदला दिया जाता है, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, ये सारी नेकियां किसी के एहसान का बदला नहीं देता बल्कि किस लिए करता है, इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, अपने रब्बे आला की रजा के लिए। वला सौफ यरज़ा, और अन करीब वो राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इमाम राजी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में कहते हैं कि मुफस्सिरीन का इस बात पे तकरीबन इजमा इत्तेफाक है कि ये आयतें अबू बकर सिद्दीक के बारे में उतरी। अब अबू बकर सिद्दीक के साथ मुनासबत क्या है जरा ये भी तो देख लीजिए। अल्लाह सयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, ये वही अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने लोगों पर एहसान के लिए माल नहीं दिया बल्कि रब की रजा के लिए माल दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जालिमों के जुल्म से मुंह मांगी कीमत दे के आजाद करने वाले कौन है, अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुंह मांगी कीमत दे के आजाद करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू फकीया को मुंह मांगी कीमत देकर आजाद करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। ये इनका कोई अबू बकर पे एहसान नहीं था कि अबू बकर इनके एहसान का बदला दे रहे थे, अबू बकर जो कुछ कर रहे थे किसके लिए, ये कुरान कहता है इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। अब यहां एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वसयुजन्नबुहल अत्का, जहन्नम से दूर रखा जाएगा अल अत्का, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। और हदीस की रूह से मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक
अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े मुत्तकी हैं। क्या हैं? तो कुरान ने सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर सिद्दीक को कहा है। कुरान की दूसरी आयत मिला लो तो और ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला, शान वाला, मकाम वाला कौन है? अतकाकुम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे बड़ा इज्जत वदार वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। सबसे बड़े मुत्तकी उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है, तो सबसे ज्यादा इज्जत वाले भी अल्लाह के हाँ अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह दोस्तों, जरा ये भी देख लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधों पे उठा के लेके जाना, जो लोग हज उम्रा करके आए हैं और वो गारे सोर को देख के आए हैं, तो हमारे हाजी साहिबान कई तो चढ़ते ही नहीं हैं वहाँ, क्यों? हिम्मत ही नहीं होती। और जो चलते हैं तो उनकी हालत ये होती है क्या, रास्ते में भी यूं लगता है कि भाई बस कहीं सांस निकल जाएगा इनका, हालांकि खाली हाथ होते हैं। कुर्बान जाऊं अबू बकर आपकी अजमत पे कि आपने नबूवत का बार उठाया और वहां तक पहुंचाया। ये बार अल्लाह ने उनसे उठवा के बतला दिया कि नबी के बाद खिलाफत का बार अगर कोई उठा सकता है तो वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। और एक और अजीब बात बतलाऊं आपको, अल्लाह ने आपको इलम से भी इतना अजीब नवाजा था, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, रबीउल अव्वल का महीना है, 12 रबीउल अव्वल है, सन 11 हिजरी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात पा गए, अबू बकर सिद्दीक अपने घर गए। अल्लाह की शान कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम वफात पाते ना, उस दिन तंबीयत संभल जाती है। तो अबू बकर सिद्दीक हुजरा आयशा सिद्दीक़ा में तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं आज नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ठीक है, तो मुझे इजाज़त है कि मैं आज फलां बीवी के पास चला जाऊं। मदीना से थोड़ा सा फासले पाए, इजाज़त मिली, अबू बकर सिद्दीक वहां गए, नबी अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक परवाज कर गई। एक हंगामा बरपा हुआ मदीना मुनव्वरा में। कायनात का सबसे बड़ा हादसा यही है, रूए जमीन का सबसे बड़ा सानहा यह है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन आप पे यमनी चादर डाल देती हैं, सफेद धारीदार चादर। ये सहाबा किराम के तसव्वुर में भी नहीं था कि इस गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फारूक आजम तलवार लेके खड़े हैं, जो कहेगा नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए मैं उनका सर कलम कर दूंगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालत ये हो गई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से बोला नहीं जाता, खामोश हो गए, बिल्कुल जबान बंद हो गई, रो रहे हैं, परेशानी का एक आलम है। तसव्वुर करें आप, आपको समझ में आएगा कि कितना दर्दनाक है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही तशरीफ लाते हैं, हुजरे सिद्दीका में दाखिल होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुकद्दस से चादर उठाते हैं और चादर उठा के क्या कहते हैं,
बे अबिया नबी अल्लाह ला यजमल्लाहु अलैका मौततैन अबदा अम्मल मौततुल लती कद कुतिबत लका फकद मुत्तहा। अल्लाह के पास पैगंबर, अल्लाह आप पे दो मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत आपके लिखी गई थी आपके लिए, आप वो मौत आप पे आ चुकी है। जो लिखी गई थी वो आ चुकी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के माथे मुबारक पे चूमते हैं, बोसा देते हैं, आपके जबीने अकदस पे बोसा देके देते हुए क्या कहते हैं, तिबता हय्यन व मय्यता व खलीलाहु व सफियाहु। हाय खलील, हाय दोस्त, क्या दर्द के अल्फाज हैं। फरमाया तिबता हय्यन व मय्यता, आपकी जिंदगी भी पाकीजा, आपकी मौत भी पाकीजा। आप जिंदा थे तब भी पाकीजा, आज जब रूह परवाज कर गई आप फिर भी पाकीजा हैं। चादर डाली चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वहां से निकलते हैं और फौरन मिंबर पे आते हैं। हलुम्मु इलैया इबादल्लाह, लोगों इधर आओ। चंद आ गए, कुछ को समझ में ही नहीं आ रहा, फिर ऐलान किया आ गए। फारूक आजम उसी तरह खड़े हैं, तलवार उनके हाथ में, मस्जिद नबी के दरवाजे पे। और उन्होंने कहा था जो कहेगा कि नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए मैं सर कलम करूंगा, लेकिन कुर्बान जाऊं। अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे आते हैं और खुतबा पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, लोगों मन का न याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ। जो तुम में से मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले, आज उनका माबूद फोत हो गया है। और अगर आप अल्लाह की इबादत करते थे तो फइन्ना अल्लाहा हय्युन ला यमूत, अल्लाह अब भी जिंदा है, उस पे मौत नहीं आएगी। फिर आपने कुरान की आयतें पढ़ते हुए फरमाया मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रुसुल अफइम्माता अव कुतिला इन्कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यन्कलिब अला अकिबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैया वसयज़िल्लाहु शाकिरीन इन्नकम मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफइन मित्ता फहुमुल खालिदून कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान की ये मुख्तलिफ आयात आपने पढ़ी, किस अंदाज से ये आयतें आप पढ़ रहे थे कि हजरत फारूक आजम कहते हैं अल्लाह की कसम, उधर सिद्दीक कुरान पढ़ते हैं, मुझे यूं लगता ये आयतें अभी उतर रही हैं। फरमाया मेरी टांगें, मेरे रान वो मेरा बोझ नहीं उठा सके, मैं गिर पड़ा। और मुझे यकीन हो गया कि अबू बकर सिद्दीक जो कहते हैं हक कहते हैं, सच कहते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्ला ये वाक़या जिक्र करके कहते हैं इससे पता चलता है कि बड़े बड़े दलेर जहां कांप गए डगमगा गए वहां अबू बकर सिद्दीक इस्तकामत के साथ खड़ा रहा और उम्मत को ऐसे थाम लिया। ये हैं सिद्दीक अकबर। आप हवास बाख्ता नहीं हुए, ये ऐलान करने के बाद जब ऐलान हुआ तो उधर अंसार मदीना सकीफा बनी सादा वहां उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी
और मीटिंग क्या हो रही है कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने लिए किसी खलीफा का इंतखाब किया जाए कि अमीर खलीफा के बगैर हम एक दिन भी नहीं गुजारना चाहते। उधर खिलाफत के लिए मीटिंग हो रही है, किसी ने आके फारूक आजम से फरमाया कि वहां तो इजलास जारी है। अबू बकर सिद्दीक को हाथ से पकड़ा, फरमाया आए चलते हैं अंसार मदीना के पास। जब ये दाखिल हुए तो मीटिंग शुरू है। साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला ने एक कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं, फरमाया ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे सरबराह हैं मदीना वालों के, साद बिन उबादा। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि अंसार अपने लिए अमीर मुकर्रर करो, हम में से अमीर होगा। एक शख्स ने और ने राय दी, कहने लगा मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर, मुहाजिरीन आप लोग मक्का छोड़ के आए, हमने आपका लिहाज किया, घर दिए, कुर्बानियां दी, अब आप अपने लिए अमीर मुंतखब करो, हम तो अपने लिए अमीर मुंतखब करते। ये राय देते जा रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरे दिल में एक तकरीर मैंने तैयार की थी कि मैं इस मौका पे करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अला रिसल की या अबा बकर, या उमर, ए उमर ठहर जाओ, सब्र करो। अभी कहते हैं मैं ठहर गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, सुनिए हरिपुर वालों, सिद्दीक की सदाकत पे कुर्बान जाऊं, आपकी दलीरी और जुर्रत और इल्म और फिरासत पे कुर्बान जाऊं। अबू बकर सिद्दीक उठते हैं रब की हम्द और सना करने के बाद फिर अंसार की तरफ मुतवज्जे होके कहने लगे ओ अंसारे मदीना, आपकी कुर्बानियां हैं, आपका मकाम है, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी की है, आप मेजबान थे, रसूलुल्लाह आपके मेहमान बने हैं, आपने साथ दिया है, और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अगर लोग दो रास्ते इख्तियार करें, एक ग्रोह एक वादी पे चले, दूसरे लोग दूसरी वादी पे चले, तो मैं मोहम्मद अरबी अंसार की वादी की तरफ जाऊंगा, जिधर अंसार जाएंगे मैं उधर ही जाऊंगा। मुकम्मल उनकी तारीफ की, जो जो आयतें जो जो हदीसें अंसार मदीना के हक में आई अबू बकर सिद्दीक लगातार पेश करते जा रहे। देखा ना मौका महल। फिर फरमाया सुन लो, कुरान भी कहता है, ये सूरह हशर है मेरे सामने, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सूरह हशर की ये आयतें पढ़ी, फरमाया लिल फुकरा मुहाजिरीना अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, सूरह हशर 28वां पारा आयत नंबर 8। सुनिए और अबू बकर सिद्दीक को दाद दीजिए, कुर्बान जाऊं। कहते हैं लिल फुकरा मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, माले फै जो माले गनीमत की एक किस्म है, ये उन फुकराए मुहाजिरीन के लिए जिन्हें घरों से निकाला गया है, जिन्हें उनके मालों से दूर किया गया है। और कौन से मुहाजिरीन? यबतगून फजलम मिनल्लाहि व रिज़वाना, जो रब की रजा और रब के रसूल की रजा चाहते हैं, वह यंसुरून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के दीन की और रसूलुल्लाह की मदद करते हैं, उलाइका हुमुस्सादिकून, यही लोग सच्चे हैं,
ये मुहाजिरीन है। और फिर फरमाया अंसार अब तुम सुनो, वल्लज़ीन तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और वो अंसार तबव्वउ दार जिन्होंने मदीना को ठिकाना बनाया, वल ईमान मिन क़ब्लिहिम और मुहाजिरीन के आने से पहले वो ईमान लाए, युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम जो उनकी तरफ हिजरत करके आते हैं, अनसार उनसे प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं, ला यजदून फी सुदूरिहिम हज हाजत मिम्मा ऊतू, और वो अपने सीनों में तंगी महसूस नहीं करते उससे ऊतू जो मुहाजिरीन को दिया जाए, ويؤثرون على انفسهم और वो मुहाजिरीन को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, ولو كان بهم خصاصا अगरचे वो खुद हाजत मंदी क्यों ना हो, ومن يوق شح نفسه और जिसको उसके नफ्स के बुखल से लालच से बचा लिया गया, فأولئك هم المفلحون यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कितने तबकों का जिक्र है बोलो, मुहाजिरीन का जिक्र पहले, अंसार का जिक्र बाद में, और कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक कहने लगे ओ मेरे अंसार भाइयों, कुरान ने हमें सादिकून कहा है, तुम्हें मुफ्लिहून कहा है। इस्तिदलाल पे गौर कीजिए, मुहाजिरीन के लिए जो लफ्ज़ आखिर में क्या इस्तेमाल किया, उलाइका हुमुस सादिकून, फरमाए अल्लाह ने हमें सादिकून कहा और तुम्हें अल्लाह ने मुफ्लिहून कहा है, और कुरान ने तुम्हें हुक्म दिया है अल्लाह ने कि हम सादिकून जहां भी हो तुमने उनका साथ देना है, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन, तुम किन के साथ हो जाओ, मअस्सादिकीन तो सादिकीन हमें, मुफ्लिहीन आप हैं, मुफ्लिहीन को हुक्म है कि सादिकीन का साथ दो, क्या दो। और फिर फरमाया ये भी सुन लो कि नबी अलैहिस्सलाम ने, ओम अंसार मदीने वालों, नबी अलैहिस्सलाम ने तकरीर के दौरान तुम्हारे फ़ज़ाइल सुनाए तो उधर मुहाजिरीन को एक लफ्ज़ भी कहा कि ख्याल करना मुहाजिरीन, ये अंसार के हुकूक़ भी देना, उनके साथ नरमी का बर्ताव करना, ये सारी हदीस के इशारे इस बात पे दलालत करते हैं के खुलफा उमरा मुहाजिरीन में से होंगे, तभी तो वो आपके हुकूक़ की पासदारी करेंगे, लिहाज करेंगे, आपके साथ नरमी बरतेंगे। बहुत सारी चीज़ों से आपने इस्तिदलाल किया, फरमाया अब बताओ मानते हो, तो मदीना के कायद उठ के कहते हैं अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की कसम आपने सच कहा, अंतुमुल उमरा व नहनुल वुज़रा, उमरा आप हैं वजीर हम होंगे, बात खत्म कर दी, आप उमरा हैं हम वुज़रा हैं। जब इख्तियार सिद्दीक अकबर के हाथ में आ गया, फरमाया अब मैं दो बंदों का नाम लेता हूं, जिस को मर्जी ये पसंद कर लो अपनी अमारत के लिए, खिलाफत के लिए। अब देखते हैं कि किन का नाम लेते हैं। कहा पहला नाम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो, दूसरा नाम हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला नो, ये दो नाम पेश किए। आप पेश करके बैठे ही थे कि इनके इनमें से जिसको पसंद कर लो बैत कर लो, जूं ही बैठे फारूक आजम खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह की कसम जो तकरीर मैंने दिल में तैयार की थी और सोच के आया था अबू बकर सिद्दीक ने, उसकी तर्जमानी बगैर सोचे मुझसे बेहतर कर दी है, लेकिन एक बात मुझे नागवार गुजरी है वो कर देता हूं। वो कहने लगे वो क्या है। कहा अबू बकर उमर के लिए
ये आसान है कि बगैर किसी जुर्म के मुझे आगे बैठा के मेरा सर कलम कर दो, ये तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन जिस मजमे में सिद्दीक अकबर मौजूद हो उसमें अमीर किसी और को मान लूं, ये मैं नहीं बर्दाश्त करता। आप आगे बढ़ते हैं और अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर हाथ आगे बढ़ाइए। अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के आगे करते हैं और बैत करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं ओ लोगों, ये पैगंबर के वो साथी हैं कि कुरान कहता है सानियसनैन इल्हुमा फिल गार, सानियसनैन यही है। फरमाया ओ लोगों, ये वही हस्ती हैं कि पैगंबर ने अपनी मौजूदगी में इनके होते हुए किसी को मुसल्ले इमामत पे बर्दाश्त नहीं किया, तो हम मसले खिलाफत में सिद्दीक के होते हुए किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमामत के लिए रसूलुल्लाह ने चुना है तो खिलाफत के लिए हम चुनते हैं। और इस जिस पैराए में आपने इस्तेदलाल किया, फरमाया कि आप देखते नहीं हो जब भी कोई बात होती है नबी अलैहिस्सलाम अपने बाद अबू बकर का नाम लेते हैं, जब भी कोई बात होती है अपने साथ अबू बकर सिद्दीक का नाम लेते हैं। एक दफा तो सुना देता हूं, आप बीमार हैं, फरमाया असल्लन्नास, लोग नमाज पढ़ चुके हैं, फरमाया अल्लाहुम यंतज़िरूनक, नमाज नहीं पढ़ी आपके इंतजार में। फरमाया मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन भी शामिल हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला ना, उन्होंने क्या कहा, फरमाया या रसूल अल्लाह, किसी और को मुसल्ले पे खड़ा होने का हुक्म दीजिए, अबू बकर सिद्दीक रकीकुल कल्ब, नरम दिल वाले हैं, आपके बगैर मुसल्ले को जब खाली देखेंगे वो रो पड़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम पे फिर गशी आई, फरमाया असल्लन्नास, नमाज पढ़ी है कि नहीं, फरमाया या रसूल अल्लाह किसी और से कहिए। तीसरी दफा अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया कि तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर वाली औरतें लगती हो, कुन्तुन्न सवाहिब यूसुफ, तुम तो उस दौर की औरतें लगती हो, अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा करो। अब मुहद्दिसीन इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि ये क्या मतलब था, मेरे और आपके सोच में तो यही आएगी, भाई नमाज ही पढ़ानी थी तो किसी और को नमाज नहीं आती थी पढ़ानी, जी बात जहन में आ रही है कि नहीं, आखिर मेरे पाक पैगंबर के शागिर्द हैं और उन शागिर्दों में वो भी हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी हैं। फरमाया अगर कुरान उस तरीके से पढ़ना चाहते हो जिस तरीके जिस लहजे में जिब्रील लाया है, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की किरात पढ़ो, उस मजमे में वो लोग भी मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फी उम्मती मिस्ला हाज़ा, कि सालिम जैसा कारी अल्लाह ने मेरी उम्मत में पैदा किया है, इब्ने अब्बास जैसे कारी मौजूद हैं, मुफस्सिर मौजूद हैं, उस्मान इब्ने अफ़ान हैं, अबू हजरत उमर हैं, हजरत अली अल मुर्तज़ा जैसे इलम के पहाड़ हैं, लेकिन फरमाया किसी और को नहीं, अबू बकर ही मुसल्ले पे आएगा। बावजूद इसरार के कि या रसूल अल्लाह किसी और बंदे को खड़ा कर दीजिए, फरमाया नहीं, ये जो सवाहिब यूसुफ कहा कि ये वही औरतें हो ना कि जिन्होंने जो कुछ कहा था हकीकत उसके बराक्स थी, नहीं समझे, उन्होंने जो जुमला कहा था हकीकत उसके बरअक्स थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के ज़माने की लड़कियों ने जो कहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जो कह रही हो हकीकत इसके बरअक्स है। अबू बकर सिद्दीक को मैं जानता हूँ, वो नरम दिल ज़रूर है, लेकिन ये हो
कि वो खाली पाए और वो हवास बाख्ता हो जाए, नहीं, हकीकत इसके बरक्स है। जो आप कहती हो, जाने दो, अबू बकर सिद्दीक ही मुसल्ले पे आएगा। और मेरे दोस्तों हरिपुर वालों, आपने इतनी हदीस तो सब नहीं पढ़ी होगी कि जब लोग जमा हो जाएं तो सबसे ज्यादा इमामत का हकदार वो है जो सबसे बड़ा कारी हो और किरात में बराबर हो। तो सबसे बड़ा जो कुरान का हदीस का इलम रखने वाला है वो नमाज पढ़ाए, इसमें बराबर हो। तो जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है वो इमामत करवाए। ये शरायत आपने पढ़ी है कि नहीं? नमाज के लिए यही शरायत है इमामत के लिए कि ज्यादा मुस्तहिक वो है। अब ये मेरे पैगंबर का इरशाद है, अब सहाबा का मजमा है, इमामत वो करवाए जो कुरान का इलम सबसे ज्यादा रखता हो। इमामत का मुस्तहिक ज्यादा वो है जो हदीस का इलम सबसे ज्यादा रखता हो। इमामत का हकदार ज्यादा वो है जो तकवा में सबसे आगे हो। मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को खड़ा करके बतला दिया कि इलम में भी अबू बकर सबसे ज्यादा है और हदीस का इलम रखने में भी सबसे ज्यादा, तकवा में भी सबसे ज्यादा है। इसलिए इमामत के हकदार भी यही हैं। ये हैं वो अजीम हस्ती। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबा, जो आपको खलीफा बनाने के बाद आप मिंबर पे आपके जो पहला खुतबा दिया है वो भी इलम का एक दरिया है। समंदर उन्होंने कूजे में बंद किया है, वो भी सुनाता। हाँ एक बात कह देता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा में एक बुढ़िया थी जो नाबीना थी, मैं उसके घर की खिदमत के लिए जाया करता था। लेकिन अजीब बात है, सवाब के लिए जब भी जाता, सवेरे पहुंचता तो मुझसे पहले ही कोई बंदा आ चुका होता जो पानी भी भर के ले आया होता, घर में झाड़ू भी दे चुका होता। तो मैंने आके पूछा, अम्मा कोई खिदमत हो तो मैं करूं। अम्मा कहती कोई अल्लाह का बंदा आया कर गया है। अब वो नाबीना है, कौन आया है? जी मुझे कोई पता नहीं, आया पानी भी भर के ले आया है, मशकीजों में गड़े भर दिए हैं, घर में झाड़ू भी दे दी। फारूक आजम कहते हैं मैंने कहा अल्लाह की कसम कल और सवेरे जाऊंगा। जब अगले दिन उससे सवेरे आया, फिर गया, सारी सफाई हो चुकी है, पानी फिर भरा हुआ है। मैंने कहा अम्मा कौन आया? फरमाया वही कोई बंदा आ गया, अल्लाह का बंदा। फारूक आजम कहते हैं मैंने कहा मैं रात से ही जाके देखता हूं कि अल्लाह का बंदा कौन है। कहते हैं जब अंधेरे में देखता हूं एक शख्स आ रहा है मशकीजा उठाए हुए, सफाई हो चुकी है, झाड़ू दे चुका है वो। मैंने पूछा अम्मा कहाँ है? कहने लगा बाकी तो सारा कुछ कर गया, पानी के लिए गया हुआ है। जब पानी का मशकीजा उठाए आ रहा है, चेहरे पे चादर यूं पगड़ी वाला पल्ला चेहरे से लपेटा हुआ है। मैंने कहा कौन हो अल्लाह के बंदे? कहने लगा अबू बकर हूं, अबू बकर हूं, ये वक्त का खलीफा है। उमर ने कहा कि अबू बकर कोई जितनी भी कोशिश कर ले आपसे नंबर नहीं ले सकता, रब ने आपके मुकद्दर में जो लिख दिया है वो लिख दिया है। ऐलाने नबूवत से पहले अबू बकर सिद्दीक को किसी शख्स ने तौरात इंजील के आलिम ने बतलाया था। कहां से हो? फरमाया हम तो, मैं तो मक्के से आया हूं। कहा वहां तो आखिरी नबी आएंगे। अच्छा ये बतलाओ किस खानदान के हो? कहने लगा मैं तो खानदान कुरैश से हूं। कहा तुम्हारे ही तो खानदान से आएंगे। जब सारी बातें पूछते गए आखिर में अबू बकर सिद्दीक का नाम पूछ लिया तो वो कहने लगे,
कि आप उनके पहले साथी भी होंगे और हिजरत में भी आप साथ होंगे जब उनको निकाला जाएगा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, क्या कह रहा है अल्लाह का बंदा। कहने लगा, मैं जो कह रहा हूं इस्लामी तालीमात में आखिरी नबी और उसके खलीफा और उसके साथी का जिक्र है। तो अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान किया, अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक किए बगैर किसी तकरार के, बगैर किसी मुतालबे के। अल्लाह करे कि इन लोगों की हस्तियों, इन हस्तियों की मोहब्बत हमारे दिलों में रहे, और अल्लाह करे कि इनके तरीक़े को देखकर हमारे हुक्मरान भी सबक हासिल करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।